IPL 2024 का 26वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 60 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 18.1 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 170 रन बना लिए और इस सीजन की दूसरी जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के युवा सनसनी जैक फ्रेजर मैकगग ने IPL डेब्यू में धमाका कर दिया है। मैकगग IPL डेब्यू मैच में 50 जड़ने वाले 22वें खिलाड़ी बन गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा मैकगग ने लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स ने चोटिल पेसर लुंगी एनगेडी के रिप्लेसमेंट में मैकगग को स्क्वाड में शामिल किया था। वह 50 लाख रुपए के बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े थे। मैकगग से जब पूछा गया कि उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा शॉट कौन सा रहा तो कंगारू बल्लेबाज ने कहा, मुझे कवर के ऊपर का शॉट ज्यादा पसंद आता है। आमतौर पर जो है ऑफ साइड पर इतने ज्यादा शॉट नहीं मारता। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे मैं सीखना जारी रखूंगा। अपने स्ट्राइक रेट और साथ ही स्ट्राइक रेट रोटेट करने पर फोकस इस समय मैं कर रहा हूं। मेरा मानना है कि यह एक स्किल है जो अनुभव के साथ आएगी। ज्यादा मैच खेलने से निश्चित रूप से इसमें मदद भी मिलेगी। फ्रेजर ने कहा कि मैं यहाँ यानी कि मैं भारत में IPL खेलकर काफी रोमांचित हूँ। यह एक अलग ही दुनिया है। सब कुछ सामने देखकर जो है अनुभव और शानदार रहा है और भारत में इस समय मेरा वक्त काफी अच्छा गुजर रहा है।